बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सीमे अंसारी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सीमे अंसारी। तो जनाब, कैसे हैं सब लोग और ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? अब खैर से आज 5 ज़िलहज हो गई है। अल्लाह ताला बस रहमतों और बरकतों का नज़ूल सब पर रखे, आमीन। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ जी, वो है जी खोए वाला मटन मसाला। बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत आसानी से बनता है और खाने में तो इंतहाई लजीज है। तो ईद आने वाली है इंशाल्लाह ताला। खैर से आप सब लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों को खिलाइएगा, ख़ुद खाइएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून घी लेंगे और उसमें 2 प्याज और 10 लहसुन के जलवे डालकर हल्के से फ्राई कर लेंगे और फिर उसको ग्राइंडर जग में डालकर उसकी एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से मसाला बनाने से मसाला बहुत स्मूथ और ज़्यादा मसाला बनता है। फिर उसी पैन में 3 टेबलस्पून घी डालेंगे और साथ ही उसमें मटन शामिल करेंगे। मटन को फ्राई करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे तो ना ही मटन की जो एक मखसूस स्मेल होती है वो भी नहीं आती है और बहुत अच्छा बनता है। बच्चे बड़े सब आसानी से खा लेते हैं, नहीं तो मसला यही होता है कि मटन की स्मेल आ रही है, मटन की स्मेल आ रही है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1.5 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे। और मसालों के साथ मटन को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये जी मैंने 1 kg मटन लिया है। अब उसमें ग्राइंड किए हुए प्याज और लहसुन डाल देंगे। और मसाले के साथ उसको भूनेंगे मटन को। जब तक मसाला भून रहा है तब तक हम 250 ग्राम टमाटर और 1 कप खोया, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे रेसिपी के, उनको हम ग्राइंड करके एक साइड में रख लेंगे पेस्ट बनाकर उनकी। और ये खोया मैंने जो देसी घी बनाते हैं एंड में जो बचता है वो मैंने लिया है। हाँ जी, जब तक अच्छी तरह से हमने मटन को मसाले में भून लिया है उसमें 1/2 कप घी डालेंगे और फिर भूनेंगे। डेढ़ गिलास पानी डालेंगे। पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह सारी तरफ से साफ करने के बाद प्रेशर बंद करेंगे। और 20 मिनट प्रेशर कुकर चलाएंगे। तो जनाब 20 मिनट के बाद मटन हमारा बेहतरीन गल चुका है। अब इसको भूनेंगे, पानी खुश्क करेंगे, जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है, वैसे तो ड्राई हो चुका है पानी। और अब साथ ही जो हमने खोया और टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे।
इसका मसाला बहुत टेस्टी बनता है। जिसे आप कह लें एक लग्जरी सा टेस्ट आता है। साथ ही हम इसमें 3 बड़ी इलायची का पाउडर बनाकर डालेंगे और साथ ही 1 चम्मच गरम मसाला, चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला डालेंगे। बड़ी इलायची से भी इसका टेस्ट और खुशबू बहुत बेहतरीन बनता है और जो हल्की फुल्की भी इसमें 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया कूट कर डालेंगे। बड़ी इलायची से जो एक मखसूस खुशबू होती है, स्मेल होती है मटन की, वो ख़त्म हो जाती है और ज़ीरा और धनिया कूट कर डालने से भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू बनती है और ज़ायका बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गार्निशिंग के लिए इसमें लीमू, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डालेंगे। तो लीजिए जनाब, बेहतरीन खोए वाला मटन मसाला तैयार है। खाने में बहुत लजीज है, तो जनाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।